हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एम्स ने आप लोगों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है, बड़ी राहत आप लोगों के लिए आ गई है। तो दोस्तों, वो राहत क्या है, बात करेंगे आज के हमारे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बात करते हैं कि एम्स ने जो वैकेंसी निकाली है दोस्तों, नॉर्सेट 04 के नाम से, जो कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती है। इसके अंदर दोस्तों सबको पता है कि जो एम्स के जो सारे एम्स को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, 3050 पदों पर एम्स की वैकेंसी निकाली गई है नॉर्सेट के थ्रू। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करें कि आपके लिए सफदरजंग और जो डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल है उसके लिए भी वैकेंसी आ चुकी है। 211 जो पद है वो सफदरजंग के अंदर और 84 पद डॉक्टर आरएमएल हो जो हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर उसके लिए भी वैकेंसी आ चुकी है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, दूसरी जो खुशखबरी है वो ये है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड जो रेस्पिरेटरी डिजीज जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर, उसके अंदर जो वैकेंसी निकाली गई है उस वैकेंसी के अंदर जीएनएम के साथ किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। यानी जीएनएम को एक बड़ी राहत आप लोग को मिल गई है। और इसके साथ ही पॉसिबिलिटी ये भी हो रही है कि सफदरजंग और जो डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल है उसके अंदर भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाए, और यदि मांगा जाएगा भी तो सिर्फ 1 साल का मांगा जाएगा। तो ये बड़ी राहत एम्स की तरफ से आप लोगों के लिए दे दी गई है, जिसके अंदर जो NITRD है यानी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर 2 पद रखे गए हैं। उस 2 पदों के लिए किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, ना तो जीएनएम को आवश्यकता है ना ही बीएससी नर्सिंग को आवश्यकता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो सफदरजंग हॉस्पिटल है उसके अंदर 211 पदों पर जो वैकेंसी के लिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया है, तो हम उस नोटिफिकेशन के बारे में चलते हैं और आपसे बात करते हैं। उससे पहले अपन देखते हैं NITRD जो हॉस्पिटल है उसके लिए यहाँ पर क्या चीज़ें दी गई है। तो अपना इसका नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करके मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन के अंदर आपको जाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NITRD वाला एडवर्टाइजमेंट को अपनी यदि यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे दिया गया है कि जीएनएम के साथ और बीएससी नर्सिंग के साथ किसी प्रकार का भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन अंदर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और इसके साथ ही अपन एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे जो 35 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं इसके अंदर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो 2 बड़ी खुशखबरी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करें सफदरजंग हॉस्पिटल और डॉक्टर आरएमएल की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है सफदरजंग हॉस्पिटल का जो नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 211 पद और यहाँ पे जो डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल है उसके अंदर 84 पद रखे गए हैं। तो ये मान लीजिए आपको 3055 पद है नॉर्थसेट के थ्रू सभी जो एम्स हैं उनके अंदर है, और इसके साथ ही 211 पद आपके सफदरजंग के अंदर हो गए हैं, और इसके साथ ही आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर 84 पद यहाँ इस वैकेंसी के अंदर आपके लिए आ गए हैं। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी का जो फॉर्म है 12/4 यानी 12 अप्रैल से इसका शुरू हो गया है, और 5 मई जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है। आपके फॉर्म में यदि कोई दिक्कत आती है तो 6 मई से 8 मई के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 3000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी जनरल और ओबीसी के लिए, और 2400 रुपये फीस रहेगी SC ST और EWS के लिए। और दोस्तों, एग्ज़ाम जो है सभी का एग्ज़ाम 3 जून को होगा। 3 जून को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है नॉर्थसेट का, नॉर्थसेट जिसको 4B कहा जाएगा। तो दोस्तों, इसी सब अपडेट के साथ में आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके रिगार्डिंग और भी कोई अपडेट आती है, पोस्ट कुछ बढ़ोतरी होती है, इसके साथ ही जो PGI चंडीगढ़ है, PGI संगरूर है और जिपमेर की जो वैकेंसी है यदि इसके अंदर जैसे ही इंक्लूड होगी, हम आपको एक फर्दर वीडियो के माध्यम से अपडेट दे देंगे। तो आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।